Mutiny. Now I think it's clear, Japish. That's why you raised hand, as I kept myself muted. I'm repeating it again. Noting means to keep a record of dishonor on the instrument itself. जब आपका नोटरी पब्लिक या एडवोकेट या लीगल एडवाइजर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी उसे लगता है और ड्रॉइंग पेमेंट नहीं करता और वो अपने पेन से आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिख देता है डिसऑनर्ड और नीचे अपने साइन कर देता है या स्टैंप लगा देता है, उसे हम नोटिंग कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्टिंग? प्रोटेस्टिंग मीन्स व्हेन यू एज अ ड्रॉअर और यू एज अ क्रेडिटर और बैंक demands a formal certificate from the notary public regarding the dishonor of the bill. आप उसको बोलते हो कि आप return में हमें एक document issue कर दो जिसमें लिख दो कि आपके कहने पे भी उसने payment नहीं करी और bill क्या हो गया dishonor. और ऐसा आमतौर पे inland bills में नहीं होता. तो protesting basically एक तरह का certificate issuing है by the notary public on demand by the holder of the bill. तो होल्डर ड्रॉअर खुद हो सकता है, होल्डर ड्रॉअर का बैंक हो सकता है, होल्डर ड्रॉअर का क्रेडिटर हो सकता है और ड्रॉअर हिमसेल्फ कैन आल्सो बी द होल्डर. आई एम रिपीटिंग. ठीक. तो जब आप नोटरी पब्लिक से डिसऑनर का एक फॉर्मल सर्टिफिकेट डिमांड करते हो, वो उसमें वर्डिंग लिख के नीचे अपने साइन और स्टैंप लगा देता है, उस सर्टिफिकेट इशू करने के प्रोसेस को हम प्रोटेस्टिंग कहते हैं. फिर आपकी बुक में लिखा है दैट प्रोटेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनलैंड बिल्स. If both the drawer and drawee are residing in the same country, like in Indian boundaries, that bills we will be calling inland bill. Inland bill के लिए protesting required नहीं है, लेकिन अगर drawer India का है और drawee America का है, then protesting is compulsory. आप return में जरूर लेते हो एक certificate from the legal advisor, from the notary public or from the advocate. ठीक है, तो उसे protesting कहते हैं. Protesting का numerical पे कोई असर नहीं होने वाला. नोटिंग का न्यूमेरिकल पे असर होगा, बिकॉज नोटिंग करने के लिए आपका लीगल एडवाइजर आपसे एक फी चार्ज करता है और उस फी को हम नोटिंग चार्जेस बोलेंगे पूरे चैप्टर में. जब कभी भी वो क्वेश्चन में हमें नोटिंग चार्जेस के बारे में बताता है, वी हैव टू ट्रीट इट. अगेन आई एम रिपीटिंग, नोटिंग चार्जेस आर बेसिकली द एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय ड्रॉई. तो जब कभी भी डिसऑनर हो जाता है बिल किसके कारण? ड्रॉई के एक्सक्यूजेस बनाने के कारण, ड्रॉई के डिनाइल के कारण, तो ड्रॉई को ही वो सारे नोटिंग चार्जेस बेयर करने होंगे. सो नोटिंग चार्जेस इज अकाउंट विच इज ऑफ नॉमिनल नेचर विच इज ओनली टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. ड्रॉई की बुक्स में वो डेबिट होगा. ठीक है, और ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या करेगा? या तो वो बिल की अमाउंट बढ़ा लेगा, और अगर बिल उसके खुद के पास है तो अपनी पॉकेट में से क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने वो पेमेंट ड्रॉई से ही लेनी है. ठीक, फॉर दिस वी हैव follow up 17th. Again, I am repeating the same sentence that 17th illustration is solved in your book, that you can see yourself. I am solving the unsolved question, that is follow up 17. Sudhir drew for the first time. We have a bill which has a term of 4 months. मैंने बोला था ना 3-4 महीने maximum time period bill का हो सकता है. So Sudhir is going to be the drawer and Sharad is going to be the drawee. पहले यहाँ पे लिखते हैं in the books of Sudhir. This is follow up 17. One or two days more we will use for this chapter. ठीक है, एक renewal of bill रह गया, एक retiring the bill under rebate रह गया. Renewal के बारे में I have to check हमारे syllabus में है कि नहीं. Insolvency of drawee is not a part of our syllabus, right? This is in the books of Sudhir. डेट का कॉलम इन द बुक्स ऑफ शरद. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. लेट्स सी. सुधीर ड्रू अ 4 months बिल. जरा मेरे को मैच्योरिटी डेट काउंट करवाओ. बिल की डेट है 1st October, दैट इज 10th मंथ एंड द ईयर इज 2017. 4 months का बिल है. 1st October से लेके 1st November एक महीना, नवंबर से लेके दिसंबर 2 महीने, दिसंबर से लेके जनवरी 3 महीने, जनवरी से लेके फरवरी 4 महीने. तो 1st February तक आपके 4 महीने कंप्लीट होते हैं, 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं, 4th February 2018.
is going to be the maturity date of the bill. Done. And the amount of the bill was ₹10,000. Sharat ne ise accept kar liya aur Sudhir ko wapas de diya. Due date pe bill dishonor ho gaya. Noting charges ₹100 hai. Sharat aur Sudhir dono ki books mein entries pass karo. Aur pehla case when Sharat is Sudhir is keeping the bill with himself. Sudhir apne paas hi agar bill ko rakhta hai to first case hum log discuss karenge. ₹100 noting charges hai. Bas. चलिए ठीक करना शुरू करते हैं. बिल ड्रॉ किया पहले एंट्री आएगी बी आर अकाउंट डेबिटेड टू शरद बीइंग बिल ड्रॉन दैट इज 10,000. वो बिल को एक्सेप्ट करेगा वो एंट्री क्या करेगा सुधीर अकाउंट डेबिटेड टू बीपी सेम डेट 1st October. सुधीर मेरे ड्रॉर का नाम है टू बीपी विथ 10,000. पहले केस में मैच्योरिटी डेट आई और बिल डिसऑनर हो गया. नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे क्योंकि बिल खुद ड्रॉअर के पास है. इट इज ऑब्वियस कि 4th February को ये एंट्री आएगी और बिल डिसऑनर हो गया. डिसऑनर की आपको सिखाई हुई है. ड्रॉई को दोबारा से अपना डेटर बनाओ. बीआर को कैंसिल कर दो टू बीआर क्योंकि नोटिंग चार्जेस आपने अपनी पॉकेट में से पे करे हैं. टू कैश ₹100 नोटिंग चार्जेस हैं गिवन इन द क्वेश्चन. BR was of 10,000. आप सुधीर शरद से कितना लोगे भाई 10,001. So whole amount of noting charges you are not paying. Firstly you are paying from your pocket and you are recovering it from Sharad. हमने थ्योरी में भी पढ़ा है noting charges are always to be taken from the drawee. And noting charges is a nominal account for drawee. Drawee अपनी books में noting charges को debit करेगा और ड्रॉअर उसे बताएगा कि तेरे अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया था मैंने लीगल नोटिस भेजा उसके इतने खर्चे हुए जो तेरे को ही मेरे को देने. ठीक तो एंट्री क्या होगी इसकी बुक्स में 4th February 2018 को बीपी अकाउंट डेबिटेड नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर. बीपी कितने का था 10,000 का. ₹100 नोटिंग चार्जेस एडिशन में है. आज उसने सुधीर को कितना देना है 10,100. बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. सो दिस वाज योर फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में सिर्फ इसकी बुक्स में एंट्रीज चेंज होनी है. ड्रॉई की बुक में सेम एंट्रीज रहनी है भाई एवरी टाइम. ईदर यू कीप द बिल विद योरसेल्फ और यू गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक. तो सेकेंड केस में हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री पास करनी है. कुछ नहीं कहा तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने 1st December को ही बिल डिस्काउंट करवाया होगा क्योंकि मैंने मंथ वाइज डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है ना. कितने परसेंट डिस्काउंट है भाई. कई बच्चे क्या करेंगे 10,000 का सीधा 6% लगा देंगे और 600 लिख देंगे. गलत. दिस परसेंटेज इज फॉर द होल ईयर एंड आई टोल्ड यू इन द फॉर्मूला दैट अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड से आपने मल्टीप्लाई करना है और 12 से आपने डिवाइड करना है. सो अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड इज 4 months. तो 200 डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 200. एंट्री क्या आएगी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. सेकंड केस आई एम डूइंग फॉर यू. बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बीआर. डिस्काउंट इज ऑफ 200. बीआर वाज ऑफ 10,000 एंड 9,800 बैंक ने आपको दे दिया. अब मैच्योरिटी डेट आई फिर से 4th February और बैंक ने सुधीर को इन्फॉर्म किया कि तेरा जो ड्रॉई है शरद वो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा. तो हम बैंक को कहते हैं आप उसके अगेंस्ट लीगल नोटिस इशू करो. तो नाउ बैंक गोज टू द नोटरी पब्लिक एंड ही गॉट हिज बिल नोटेड. वो अपने बिल के ऊपर उसकी हैंडराइटिंग में नोटेड वर्ड लिखवा आता है और बदले में ₹100 जो नोटिंग चार्जेस है वो बैंक पे करता है. तब हम डिसऑनर की एंट्री क्या करते हैं. शरद को दोबारा से अपना क्या बना लो डेटर और बैंक को अपना क्रेडिटर बना लो. आप बैंक को बोलोगे हम तेरे को पैसे दे देंगे एक तो बिल के जो मैं तेरे से पहले से ले चुका हूं और एक जो नोटिंग चार्जेस है. वी विल टेक इट फ्रॉम शरद एंड वी विल पे इट टू द बैंक. इसकी बुक्स में एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा. ही विल बी पासिंग द सेम एंट्री फॉर डिसऑनर इन एवरी केस. सो आई एम नॉट इरेजिंग इट साइड बाय साइड आई एम जस्ट कीपिंग इट सेम. नाउ इन थर्ड केस ही ट्रांसफर्ड हिज बिल टू सुशील दैट इज द केस ऑफ डिसऑनर. अब सुशील जाएगा भाई मैच्योरिटी डेट पे नोटरी पब्लिक के पास कि ये बंदा मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा. सो सुशील अपनी पॉकेट में से पे करेगा नोटिंग चार्जेस विच आर 100 रुपीस.
पहले बिल ट्रांसफर करने की एंट्री करो, कुछ नहीं कहा तो आई विल बी अज्यूमिंग ही ट्रांसफर्ड इट ऑन द सेम डे, मींस 1 अक्टूबर को ही इसने सुशील को अपना बिल क्या कर दिया था, ट्रांसफर. दिस इज शरत. एंट्री क्या बनेगी, सुशील अकाउंट डेबिटेड टू बी आर दैट इज ऑफ 10,000. अब सुशील ने मैच्योरिटी डेट मींस 4 फरवरी पे इसे मैसेज किया या इसे बताया सुधीर को कि बिल डिसऑनर हो गया है. सुधीर सुशील को कहता है तो उसके अगेंस्ट लीगल नोटिस इशू कर, तो वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और सुशील पेमेंट करेगा नोटिंग चार्जेस की. और हम सुशील को बोलेंगे कोई बात नहीं, वो पैसा मैं तेरे को दे दूंगा नोटिंग चार्जेस का, मैंने तो ले ही लेना अपने ड्रॉई से. जब इसने अपने ड्रॉई से लेना है तो ये शरद को डेबिट करेगा, ड्रॉई को डेबिट करेगा और अपने क्रेडिटर को, बिल जिसके पास है हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं, नोट विथ 10,000 वी विल बी डेबिटिंग और क्रेडिटिंग देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स विद अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. एंड नरेशन में आप एग्जामिनर को बताओगे being bill dishonored and noting charges paid. Who paid the noting charges? That is understood from the journal entry. Sushil paid. Had you are paying it, तो आप टू कैश लिखते. यहाँ पे बिल क्योंकि आपके पास नहीं था तो आपने नोटिंग चार्जेस नहीं पे कर. फोर्थ केस में हमने अपना बिल किसको दे दिया हुआ है? Yes. This entry also we have to erase. हमने बिल किसको दिया है? बैंक को बोला है कि तू हमारे बिहाफ के ऊपर कलेक्शन कर लेना, तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बीआर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बीआर दैट इज 10,000. और मैच्योरिटी डेट पे बैंक ने हमें बताया कि उस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, आप अपने बिल पकड़ लो और खुद पेमेंट रिसीव करो. तो इस केस में हम खुद रिपब्लिक के पास जाते हैं और हम उसके अगेंस्ट लीगल नोटिस इशू करवाते हैं. तो जो भी नोटिंग चार्जेस यहां पे होंगे वो ड्रॉअर खुद पे करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फोर्थ केस इज सेम. डिसऑनर की एंट्री करवाओ, शरद है ना, शरद अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश बिकॉज दिस टाइम यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस ऑन योर ओन टू कैश. बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 के थे, नोटिंग चार्जेस आपने 100 रुपया खुद पे किया, क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज कॉमन फॉर एवरी केस, सो यू आर गोइंग टू रिसीव 10,100 फ्रॉम योर ड्रॉइंग. सो दिस इज द केस ऑफ नोटिंग. प्रोटेस्टिंग का न्यूमेरिकल के ऊपर कोई असर नहीं है, ना ही प्रोटेस्टिंग के बारे में हमें न्यूमेरिकल में कोई पोर्शन इंट्रोड्यूस करता है बिकॉज इन ऑल द केसेस ऑफ माई न्यूमेरिकल्स ही इज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड बिल्स. Had it been the foreign bill, तो protesting का case introduce करता, लेकिन यहाँ पे protesting नहीं है क्योंकि foreign bills भी हमारे syllabus में नहीं है. We have in our syllabus only inland bills. हाँ जी, इससे पहले मैं आपको एक बात बता रही थी, renewal में बाद में करवाती हूँ, एक topic जो मैंने बीच में छोड़ा है, I am going to pick it. That is retiring a bill under rebate. चलिए एक story से frame करते हैं and then we will discuss it. Cases. Retiring a bill under rebate. यहां तक किसी को कुछ पूछना है? Any doubt to anyone? सब कुछ समझ आ गया आपको? यहां कुछ भी नहीं आया है ना? Yes or no में तो बोला करो. Are you getting? आज कोई फेक एंट्री नहीं आई हमारे एंटरटेनमेंट के लिए. All are the genuine people. Or I restricted my chat to the host only. I muted you upon entry. चलिए जी, topic's name is retiring the bill under rebate. बेटे अभी तक हम लोगों ने ये केस किया है कि जितना टाइम पीरियड हमने अपने ड्रॉई को दिया उतने टाइम पीरियड के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर पाता. Means whatever time period we have given to our drawee after the expiry of that time period, sometimes he is not in a position to make the payment on time. We call it dishonoring of the bill, right? Sometimes what happens, reverse of this can happen, like drawee is able to make the payment before the maturity date. Like we gave him the time period of 4 months, वो कहता है एक महीने के बाद ही मेरे से payment ले लो. Should we deny that early payment or should we accept it? You tell.
When someone is making the early payment to us, it means it is a coverage of my risk. I need not to wait for a longer period. So whenever such type of option, my draw is keeping in front of me, I will outrightly accept it. So jab early payment hamara draw hame kar deta hai, to hum usse kuch paisa chhodte hain. Usse bolte hain rebate. Hum usse kehte hain, agar bill kitne ka tha? 10,000 ka, you just give us 9,800. 200 rupees we are just leaving, and that we will be calling rebate. Rebate is sort of discount. So, jo 200 rupees drawer ne choda, kyun choda? Kyunki drawee ne early payment kar rahi hai. Jab drawee early payment kar raha hai, 200 rupees hamara drawer usse kam le raha hai, it is going to be a loss for drawer. Drawer ke liye ye 200 rupees jo choda hai, wo loss hoga. इसलिए rebate is always to be debited in the books of drawer, and क्योंकि ये drawee के लिए income है, so rebate is always to be credited in the books of drawee. क्या entry होगी? जब वो हमें early payment करेगा, हम करेंगे cash account debited, yes, rebate account debited to drawee, credit the giver. Drawee से लेना था 10,000, हमने उसे बोला क्योंकि तू हमें जल्दी payment कर रहा है, 9,800 ही दे दे, 200 रुपया हम छोड़ रहे हैं. So that is a loss for us. All losses as per the nominal account are always to be debited. Now the question arises, how our drawee is going to deal with this case? He will be passing the entry drawer. Debit the receiver, real account ka rule lag raha hai. To cash, credit what goes out ka rule lag raha hai. Aur kyunki rebate iske liye kya hai? Income hai. All incomes are always to be credited. See the bottom. Yes. Drawer account debited to cash to rebate. I'm just clarifying it again. For my drawer, rebate is always an expense or a sort of loss. Or we can call it discount allowed. Discount allowed is always to be debited. And discount received is always to be credited. So drawee is receiving the discount, means rebate. That is, it's like cash discount, yes. Harshika, you are right. We will accept the early payment. It's a sort of cash discount, you can call it. Because he is making the cash payment and you are just leaving amount. A minor amount, aap usse kehte hain, kam de de. To discount ki tarah hi treatment kar rahe hain. Who is allowing this discount? He is going to debit it in his books of accounts. And who is going to receive that discount? He is going to credit it in his books of accounts. Only single illustration is related to this retiring a bill under rebate. So I am again doing follow-up. Theek hai? Main follow-up hi karungi. Thoda sa back aa chahiye. डिसऑनर से पहले का टॉपिक है और रिबेट के ना डिफरेंट केसेस भी हैं. वी हैव डिफरेंट केसेस ऑफ रिबेट एज वेल. कई बार टाइम पीरियड वाइज फॉर्मूला लगा के हम रिबेट निकालते हैं, जैसे डिस्काउंट निकाला था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक, है ना. इलस्ट्रेशन नंबर नहीं, मैं फॉलो अप 14th ही करवाऊंगी. फॉलो अप 14th में रिबेट की कैलकुलेशन देखना जरूर. वहां पे सिर्फ कैलकुलेशन है, जर्नल एंट्रीज नहीं है. जर्नल एंट्रीज 15th इलस्ट्रेशन में है और 15th फॉलोअप में. तो दो इलस्ट्रेशन उसने हमें बताई. वन इज ही इज टेलिंग अस द वे टू कैलकुलेट रिबेट, एंड सेकंड ही इज टेलिंग अस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मींस हाउ द जर्नल एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई. सो फर्स्ट वी सी फॉलोअप 14th. लेट्स सी फॉलोअप 14th. इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह जाना है. That is a renewal of the bill, and for that I need to check the syllabus. This is follow up 14th. कल हमारा single period ही है. अगर tomorrow it's Friday, right? तो Friday और Saturday मेरे को लगता है दो दिन में renewal का case हो जाना चाहिए. If it is there in our syllabus, that I will check. चलिए जी. 14th. On 1st January 2019, Abhijit. Abhijit is going to be the drawer. Draws a bill on Suleiman, and the bill's amount was 18,000, and the time period is 3 months. Calculate kare, 4th April maturity date banegi. As per the customs of trade, cash rebate. Wohi ghar wali baat aage, yes, cash discount. It is cash discount. Kehta hamare business ki policy hai, hamare business ka ye custom hai, ki hum cash rebate 10% dete hain, agar hamara डेटर हमें अर्ली पेमेंट कर देता है तो 10% हम उसे छोड़ देते हैं. पर एनम टाइम पीरियड वाइज कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने महीने वो हमें जल्दी पेमेंट कर रहा है. इट मींस कि हियर बाय द फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ द बिल इनटू रिबेट परसेंटेज
डिवाइडेड बाय 100 इनटू अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड मींस कितनी जल्दी वो आपको पेमेंट कर रहा है. लेट सी, ये डेट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. 1 जनवरी 19, मैच्योरिटी डेट बनेगी 4 अप्रैल 19. उसने पेमेंट कब करी आपको? 4 फरवरी. इट मींस कि एक महीने के बाद, तो 2 महीने पहले पेमेंट करी, पेमेंट होनी चाहिए. दिस इज मैच्योरिटी डेट भाई. 2 महीने का आप रिबेट निकालोगे. बिल की अमाउंट कितनी है? 18,000. परसेंटेज कितना है? 10%. और 2 महीने पहले वो हमें पेमेंट कर रहा है 2/12, 300. चेक करो पहले केस में 300. अच्छा, इसने आंसर नहीं दे रखा. 300 आएगा पीछे. देखें आंसर दे रखे हैं क्या इस चैप्टर के. वैसे तो सारा चैप्टर जर्नल एंट्रीज का है. लेट्स सी एज गिवन द आंसर्स ऑफ फॉलो अप्स. नो, इस चैप्टर के आंसर्स ही नहीं है. चलो आई एम जस्ट टेलिंग यू द कैलकुलेशन. अगली बार वो 4 मार्च को पेमेंट करता है, एक महीना पहले. 4 अप्रैल तो इसकी मैच्योरिटी डेट थी, तो एक महीना पहले. अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड एक महीना है. अब क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ द बिल इनटू रिबेट परसेंटेज इनटू 1/12. हाँ जी, 5 2s are 6 2s है ना, 150. ठीक है, इसमें 150 होगा. और अगली बार, ओके, 19th मार्च. यहां पे डेज देखने पड़ेंगे भाई, है ना. क्वेश्चन में डेज देखे हैं. 19th मार्च ऊपर भी ऐसा है ना, 4th. अच्छा, उधर नहीं है, इधर हमें डेट्स देखने पड़ेंगे. चलो देखते हैं एक मिनट. 3 महीने टाइम पीरियड का मतलब है, हम डेज एक मिनट देखते हैं. जनवरी का पूरा महीना, फर्स्ट को अगर ड्रॉ हुआ है तो जनवरी के हम पूरे दिन ले लेंगे 31, फरवरी के 28 होंगे, है ना, और मार्च के 31, और 4 दिन किसके होंगे? अप्रैल. नीचे से बोर्ड देखो, जब डेज वाइज है और मिडल में है तो वी विल बी कैलकुलेटिंग लाइक दिस वे. ये 59 बना, 59, 60, 90, 94 डेज है वैसे मेरे बिल, है ना, सारे मंथ्स के मैंने ऐड कर लिए दिन. अब आप वो आपको पेमेंट कब कर रहा है? इस मार्च में. अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड वो 19 को पेमेंट कर रहा है, 19 को पेमेंट कर रहा है, तो मार्च के अनएक्सपायर्ड दिन कितने रह गए? 12, और 4 दिन किसके हुए? अप्रैल के. इट मींस कि आप 16 दिन, इट इज ओनली 16 डेज अर्लियर ही इज मेकिंग यू द पेमेंट. तो हम मंथ वाइज इसे कैलकुलेट करेंगे. आपको फॉर्मूले में उसमें लिखा हुआ है, अनएक्सपायर्ड डेज भी हो सकता है, अनएक्सपायर्ड मंथ्स भी हो सकता है. सो आई जस्ट कंप्यूटेड द डेज. 18,000 इंटू 10% इंटू हाउ मेनी डेज अर्लियर? 16 डेज डिवाइडेड बाई 94 डेज. तो ये कैंसिल करके देख लेना जितना भी आएगा. ठीक है, आई मल्टीप्लाइड विद अनएक्सपायर्ड डेज एंड दैट आर 16 इन दिस केस, एंड द टोटल डेज फॉर द बिल जितना उसका टेन्योर है, दैट कम्स टू अस 94 डेज, राइट. उसके बाद इसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है. यस बच्चे, दिस इज अ मैटर टू डिस्कस हियर, दैट वन टर्म इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड अनदर टर्म इज रिटायरिंग ऑफ बिल. हु विल टेल व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरिंग ऑफ बिल? लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मैंने पहले करवाया हुआ ना. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब है? चलो हिमांशु आप बताओ. हिमांशु, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? अनम्यूट करो. हरलीन इज देयर इन द क्लास? यू यूज्ड टू टेल मी कि मैं सारी क्लासेस लगाती हूँ. हरलीन इज नॉट हियर. हिमांशु आप अनम्यूट कर रहे हो? आर यू अटेंडिंग द क्लास? माइक प्रॉब्लम. चलो जब नहीं आता तो माइक प्रॉब्लम, ठीक है. जब पे शाह बोलो बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मीनिंग क्या है और रिटायरिंग ऑफ बिल का मीनिंग क्या? जब पे शाह अनम्यूट करो. गर्व ने ठीक लिखा, व्हेन वी वांट पेमेंट एट द अर्लीस्ट एंड वी गो टू आर बैंक टू गेट इट्स सर्विस, तो बैंक हमें टाइम से पहले पेमेंट कर देता है, ठीक है, हमें पेमेंट दे देता है और बदले में हम अपना बिल उसे हैंड ओवर कर देते हैं. अमित ने लिखा, व्हेन द बिल इज एनकैश्ड विद द बैंक बिफोर द ड्यू डेट. बिल्कुल ठीक है जी. सो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इज ऑलवेज बीइंग डन बाय द ड्रॉअर
एंड रिटायरिंग द बिल इज ऑलवेज बीइंग डन बाय द ड्रॉई. ड्रॉई खुद ब खुद आपको अप्रोच करता है और बोलता है मैं पहले पेमेंट करना चाहता हूं, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, रिटायरिंग ऑफ द बिल. देखो क्या लिखा इसने, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग द बिल. सेलिंग मतलब हैंडिंग ओवर. सेलिंग द बिल टू द बैंक और एनी वन एल्स बिफोर द ड्यू डेट. इवन किसी फाइनेंसिंग कंपनी को भी आप अपना बिल दे सकते हो टाइम से पहले. और रिटायरिंग का मतलब क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ पेइंग द अमाउंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट. कौन पे करेगा, ड्रॉई. द रिडक्शन मेड बाय द बैंक इज कॉल्ड डिस्काउंट एंड द कंसेशन अलाउड टू द एक्सेप्टर बाय द ड्रॉअर इज कॉल्ड रिबेट. डिस्काउंट इज अ लॉस टू द पर्सन हु डिस्काउंट्स द बिल एंड अगेन टू द बैंक. बैंक अपनी बुक्स में डिस्काउंट को क्रेडिट करता है, ड्रॉअर अपनी बुक्स में डिस्काउंट को डेबिट करता है. रिबेट पई के लिए लॉस है. पई मतलब, वैसे हमारे सिलेबस में यही है दैट द बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉअर, तो ड्रॉअर ही रिबेट को क्या करेगा, डेबिट करेगा. उसने पई लिख दिया, पई के लिए लॉस है और एक्सेप्टर मींस ड्रॉई के लिए गेन है. ऑन डिस्काउंटिंग नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. डिस्काउंट करवाने की ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करता, बट रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर द रिबेट की एंट्री ड्रॉअर भी करता है, मींस पई भी करता है और ड्रॉई भी करता है. हर्षिका ने लिखा है रिटायरिंग द बिल मींस दैट ड्रॉई पेड द बिल बिफोर मैच्योरिटी, बिल्कुल ठीक है. ईशा ने लिखा है पेमेंट मेड बाय द डेटर बिफोर ड्यू डेट, गुड. सो दैट इज देयर ओन वर्जन टू एक्सप्लेन द थिंग्स. आई जस्ट मीन टू से दैट आई वांटेड टू चेक योर थिंकिंग और योर व्यू पॉइंट टू सी आर यू गेटिंग द थिंग्स और नॉट. तो आपको समझ लग गई है, जब ड्रॉई खुद ब खुद अप्रोच करता है ड्रॉअर को और अर्ली पेमेंट का ऑफर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट. और जब आपको पैसे की जल्दी जरूरत है, टाइम से पहले जरूरत है, तो आप अपने बैंक के पास जाते हो और अपना बिल डिस्काउंट करवाते हो, उसे हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं, राइट. आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क.